खाना तो था ही, आपने इतना अच्छा मेरा मेकअप किया क्या? था। अरे मेकअप सबको बहुत अच्छा लगा होगा। किसी को नहीं अच्छा लगा। अरे अच्छा लगा होगा आप। किसी ने कुछ भी नहीं कहा। अरे ऐसे पहली बार तो कैसे मैं किसी पार्टी में नहीं गई थी और इतना बकवास आपने मेकअप किया है, मतलब मैं किस पार्टी में जाऊंगी। इसको तो मैंने ऐसे ही करवा लिया था, अब इसको आप रिमूव कर दीजिए मेरा। तो फ्रेंड फर्स्ट पार्ट आप लोगों ने देख लिया और मैं आज इसको रिमूव कराने के लिए आ गई हूँ इसी पार्लर में। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी है, प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक वॉच करना। हम पे मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी देखने के लिए प्रतिभा 265 करके फॉलो करके मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी देख सकते हो। आप वीडियो बना रहे हैं क्या? नहीं वीडियो नहीं बना रहे ऐसे ही। हम सोचे वीडियो बना रहे क्योंकि बहुत लोग वीडियो बना के लाइव कर देते हैं तो सब्सक्राइब करने सब अच्छा नहीं लगता है। नहीं नहीं यूट्यूब पे थोड़ी डाल रहे हैं यार, हम रील्स बनाते हैं उस पर। आराम से निकालिए, आप तो गुस्सा आ गई। तो फ्रेंड अब देखो आ गया है बहुत ही ज्यादा जोर का गुस्सा आ गया है। गुस्सा नहीं इनको क्रोध आ गया है कि जैसे मैंने बोला कि मेरा मेकअप नहीं हुआ है अच्छा, तो ये पूरे क्रोध में आ गई। और ये फिर से मुझे लग रहा है कि मेरा भूतिया लुक ये क्रिएट करने वाली है। तो दीदी अभी मेरे बालों के साथ खेल रही है क्योंकि इतने लंबे बाल उन्होंने कभी देखे नहीं ना। खेलो दीदी खेलो, आपको क्या लगता है कि मैं आपका पूरा पैसा दूंगी? कभी नहीं दूंगी। 500 रुपये मैं आज भी दूंगी, चाहे तुम मेरी फांसी लगा दो चाहे कुछ भी कर दो, इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकती। चाहे तुम मुझे चुड़ैल बना दोगी आज, उससे कोई मतलब। अरे भैया धीरे यार, तुमसे बाल तो डालेंगे क्या? आप गुस्सा आ गई हैं क्या आप? जब मैं बोल दी कि मेकअप नहीं सही है, थोड़ा आराम से करिए। एकदम से इतना मतलब, वैसे ही मेरा बाल टूट रहा है जब से मैंने स्ट्रेट करवाया है। आराम से निकालिए। ये तो आपने इतना बढ़िया मेरा मेकअप किया था, पूरी बेइज्जती मेरी हो गई। सब बाल आज टूट जाएगा मेरा, बचेगा नहीं, कोई बाल नहीं बचेगा। अरे मम्मी बाल तोड़ डालोगी सब? भाभी ने कुछ सिखाया नहीं क्या आप लोगों को? इनको सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मेरे बालों से है, मतलब मेरे बाल इतने लंबे हैं और इनके छोटे छोटे बॉय कट बाल हैं, तो इसको बहुत ज्यादा जलन हो रही है। पूरा चारिक मैं यहाँ से गंजी होकर जाऊँ इसलिए ऐसा कर रहे। नहीं निकलेगा तो हमको बताइएगा। छोड़िए छोड़िए, आप नहीं निकाल पाने। छोड़िए, नहीं तो बाल ही आप निकाल दी क्या? धीरे से भैया, एक एक बाल बहुत कीमती है भैया। मेरा मेरे साथ कुछ भी करिए लेकिन मेरे बाल के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। एक एक बाल मेरा कीमती है। लीजिए आपका क्लिप भी पहले भागा जा रहा है। अरे पागल औरत तू ये क्या कर रही है मेरे बालों के साथ? क्या कर क्या रही है भाई, इसे कोई समझाओ क्या कर रही है? मेरा मेकअप रिमूव करो भाई। देखो एक एक क्लिप ये निकाल करके आज मेरा एक एक बाल नोच करके गंजा कर देगी, तभी यहाँ से मुझे जाने देगी। एक एक की गिन करके दीदी, अगर मैंने बदला ना लिया ना तो मेरा नाम भी प्रतिभा नहीं। अबे क्या कोई स्टाइल बनाने वाली है वापस क्या? पहले तो आपने कोई हेयर स्टाइल अच्छे से बनाया नहीं, उसको चुड़ैल बना के भेज दी यहाँ से मुझे। अरे अब किसी स्टाइल का क्या मतलब है? चलिए मेरा मेकअप छुड़ाइए, वैसे ही इतना पता नहीं कौन कौन सा आप प्रोडक्ट लगाए हैं चेहरे पे, एकदम बर्बाद हो गया। अब पानी से पोछ रही हैं क्या? नहीं है तो पानी से पोछ रही हैं। क्रीम व्रीम से नहीं है आपके पास? वो रिमूव करने वाला ले लेना चाहिए ना, एक रिमूव करने वाला भी आपको। आप कुछ लेवे नहीं करती हैं। आँख का छुड़ा रही हैं तो पहले आँखी का छुड़ा। जल्दी थोड़ा करिए भाई, जल्दी हमको रिमूव करिए मेरा, जल्दी से हटाइए। तो फ्रेंड आप लोगों को भी दिख रहा है या मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं कि ये अपने बच्चे के अंडरवेयर से पोंछ रही मेरा चेहरा, मतलब हद हो गई है यार। इतना बुरा कौन करता है किसी के साथ भाई? पानी से छूटेगा, आपको इतना नहीं पता क्या? तो फ्रेंड ये अंडरवेयर से पोंछ रही है, इससे अच्छा था कि मैं कोमा में ही क्यों ना चली जाती, मतलब यार हद कर दी है। मैं चश्मा यही लग जाएगा। ये क्या आप तो अंडरवियर से? अरे ये बच्चे का है। नहीं 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 अंडरवियर हटाइए। नहीं ये साफ है। साफ से क्या मतलब? बच्चा पहनता नहीं। ये
देखिए आपके अंडरवियर और क्या कहते हैं बनियान इसी सबसे साथ है। नहीं साफ है, इसे साफ से हमको नहीं मतलब नहीं था तो इसीलिए मैं सोची इससे बहुत अच्छा पछा जाता। नहीं नहीं उसको हटाई, नया मंगवाई हूँ ना, बच्चे पहनते नहीं हैं तो हम सोचे पहुँचने से काम आ जाएगा। हम कह रहे हैं इसको फेंकी आप, वरना उठा के फेंक दूंगी अभी मैं, हमारा मत करिए। आप मंगाइए बाहर से, मैं 2 मिनट वेट कर लूँगी, इससे मत पूछिए। चलिए पोछ उठा आपका, ये पोछ उठा, ये पूरा काला काला लगा, ये पोछ उठा है। अरे वो एक दिन के बाद आप सीख भी नहीं पाएंगे कभी, एक साल अभी आपको लगा है ना, आप नहीं सीख पाएंगे। पहले इसको फालतू को हटाइए, इसको फेंकिए, इसको किसी का गंदा संदा हमारे चेहरे पे मत लगाइए। आप टिशू पेपर आपके पास नहीं है, बगल से मांग लीजिए, दुकान है तो बगल में मांग के करिए टिशू पेपर, या कॉटन ले लीजिए। और मैं आपको बता दूँ ना, ये देखिए टिशू पेपर रखिए, तभी आप फिर आप पानी लगा रही हैं, पानी से नहीं छूटेगा, आपको पता नहीं है। अरे पानी छूटता है वैसे, सूखे नहीं सूखेगा, देख लीजिए इतना छूटा है, आप चिल्ला रही हैं। तो फ्रेंड मैं कुछ भी कर लूँ मतलब ये मानने वाली नहीं है, मतलब पूरी ज़बरदस्ती है, मतलब मैं कितनी बार कह रही हूँ पानी से नहीं छूटेगा नहीं छूटेगा, बट नहीं उनको पानी से ही छुड़ाना है। बहुत कहने के बाद एक छोटा सा जो 5 रुपये का पाउंड मॉइस्चराइजर क्रीम आता है उससे अब वो लगा रही है, वो भी कुछ भी नहीं लगा रही, मतलब इतना ज़्यादा इरिटेट इसने मुझे कर दिया है कि मैं क्या ही बोलूँ भाई, ब्यूटी ब्लेंडर नाश हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, नहीं मानेंगी, अब मैं क्या बोलूँ यार, अजीब आफत है। मतलब मैंने बोला कि उससे नहीं साफ करना, फिर भी ये अपने बच्चे का पता नहीं इसमें लैटरिन लगा होगा, क्या लगा होगा, सुसू लगा होगा, वही मेरे मुंह पे कर रही है, मतलब इतनी बदबू भी इसमें से आ रही है। फिर से अंडरवियर आप उठा लें। अरे साफ है भाई, साफ हो या कुछ भी हो, मैं वीडियो बना रही हूँ, कोई देखेगा तो क्या बोलेगा, साफ से नहीं मतलब है ना, मुझे यहाँ पे लोग देख रहे हैं। अब आपको जैसे मर्जी वैसे छुड़ाइए, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने बोला कि मतलब आप जैसे मर्जी वैसे छुड़ाइए, तुरंत ये मेरे लिप्स को रगड़ने लगे, मतलब टिश्यू पेपर का छोटा छोटा टुकड़ा निकल रहा, बट वो नहीं मानेगी, रगड़ते जा रही है, और छोटा सा मतलब थोड़ा थोड़ा सा क्रीम लगा रही है, मतलब ये आँख से भी अंधी है भगवान जाने, मतलब मैं क्या बोलूँ यार, मैं फर्स्ट टाइम में इतनी ज़्यादा इरिटेट हुई हूँ, मतलब ये जैसे लग रहा मेरे चेहरे का सर्जरी करने वाली है, बोल रही कि आपको कौन सा क्रीम लगाऊं, अब मुझे चुड़ैल तो बना ही दी, वो कौन सा क्रीम लगाऊंगी क्या मैं, ऐश्वर्या राय थोड़ी बन जाऊंगी। अब जैसे हूँ मैं बस वैसे ही इज्जत बच्चा, बस किसी तरीके से घर वाले मेरे पहचान लें, बस ऐसे ही मेकअप कर दो मेरा। भाई मैंने सुना था कि लोग मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, बट मुझे आज मैंने देख लिया अपनी आँखों से कि लोग वाकई में मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं, तो घिस घिस के अभी ये रगड़ रही है, जैसे लग रहा है झाड़ू पोछा घर पे आज नहीं की है तो मेरे चेहरे पे ही झाड़ू पोछा सब लग जा रहा है इनका। और फ्रेंड मैं क्या बोलूँ, मुझे इतना ज़्यादा मतलब वो गाना याद आ रहा है, आँख ही न रोया है दिल भी तेरे प्यार में रोया है, हमने तेरे पीछे पड़ी है, मतलब ऐड ऐड करके ऐसा जूड़ा बना रही है कि मेरे सारे बाल आज ही पिक गिर जाए और मैं वापस गंजी बन के जाऊँ, और इनको मेरे बालों से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा, मतलब ये पूरी दुश्मनी मुझसे यहाँ पे ले रही है, मगर बेटा तुम गलत आदमी से पंगा ले रही हो, अगर मैं वापस आऊँगी जब ना तो तुम्हारा हुलिया बदल दूँगी मैं। हो गया पूरा कम्प्लीट, आँख के आसपास का तो कुछ छूटा ही नहीं है, पूरा जो मतलब मेकअप था मेरा वो सब आँख के आसपास मतलब फैल गया है, सही से नहीं हुआ है। और एक बात और, आपने बिंदी जब मेकअप आप स्टार्ट की थी तब भी मेरा बिंदी नहीं निकाली थी, मतलब आपको ये नहीं बताया गया कि जब किसी का मेकअप करते हैं, मैं उस दिन की बात कर रही हूँ, तब पहले बिंदी निकाल दी जाती है, पूरा अच्छे से स्किन केयर होता है। ठीक है तो मैं अब जा रही हूँ, हो गया ना पूरा अच्छे से आपके लिए, हो गया, बट मेरे लिए तो अभी मतलब मेरा मेकअप छुड़ा दी, मेरी बात भी सुना करिए, आपके लिए मेरा मेकअप रिमूव हो गया बट अभी रिमूव नहीं हुआ है, इसको मैं घर जाऊंगी तो सब अच्छे से छुड़ाऊंगी। कितना पैसा आपको देना है अभी देना 1500 1500 मैं नहीं दूंगी,
1500 था, देखिए छुड़ा दिया आपका। नहीं नहीं 1500 नहीं दूंगी मैं, 500 आज भी दूंगी, 500 उस दिन दी थी आज भी उतना ही दूंगी, इससे ज़्यादा नहीं। तो फ्रेंड फाइनली ये वीडियो हो गई है कंप्लीट, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। और अभी मैं जा रही हूँ घर, क्योंकि इसको रिमूव करना है, ऑलरेडी मेरे बहुत सारे पिंपल निकले हुए हैं, तो इसको अगर मैं रिमूव नहीं करूँगी तो बहुत ज़्यादा मुझे मतलब प्रॉब्लम आ जाएगी। और इनको तो अभी कुछ भी नहीं, मतलब एक साल हो गया इनको सीखते हुए, कुछ भी नहीं आता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट।